तो आज हम आ गए हैं गुजरात के सूरत शहर में और यहाँ पे आपको लेकर आए हैं बापा सीताराम गाठिया हाउस में। और यहाँ पे जो आपको गाठिया मिल जाएगी बहुत ही फ्रेश बनाते हैं, तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा गाठिया का बैटर बनने जा रहा है। तो भैया क्या डाल रहे हैं अभी आप? बेसन डाल रहा हूँ मैं। बेसन डाल रहा हूँ, हाँ, चने का आटा। नमक और सोडा डाल रहा हूँ उसके हिसाब से। ये नमक और सोडा आ गया। हाँ, फिर ये है अजवाइन, जैसे कि उसके माप के हिसाब से डाला जाता है। ये ऑयल है, उसको उसी हिसाब से डाला जाता है। कौन सा ऑयल रहता है ये? ये कपासिया तेल रहता है। ठीक है। मिनरल वाटर, वो भी उस आटे के हिसाब से ही डाला जाता है। इसमें एकदम स्लो आता है थोड़ा सा ही, बाकी इसका तेल से ही आटा लगाना पड़ता है। तो कितना टाइम लगेगा इसमें बनने में? बस ओनली 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट? हाँ, 5 मिनट में आटा एकदम तैयार हो जाएगा। जितना आटा डालते हैं तो मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से अपने 1 किलो आटा डाला है, इसलिए इतना थोड़ा 5 मिनट लगेगा। मतलब 5 किलो आटा डालोगे इसमें तो भी 5 मिनट उससे पहले हो जाएगा। बेसन को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके इसका अभी डो बनाएंगे। जब आटा हो जाए तो उससे हल्का सा इसको ऑयल डाल के मिक्स करना पड़ता है लास्ट में, जिसके हिसाब से किसी जगह पे चिपके नहीं, उसके हिसाब से थोड़ा सा ऑयल डाला। अभी आटा हो गया एकदम रेडी। ये थोड़ा सा आटा निकाला है, अपन अब बनाने जा रहे हैं फाफड़ा। इसका फाफड़ा बनेगा? हाँ, मेथी वाला फाफड़ा। भैया अपना नाम बता दीजिए एक बार। हार्दिक पटेल। तो यहाँ पे फाफड़ा लगने जा रहे हैं। तो ये आ गई मेथी, कस्तूरी मेथी आ गई, और ये, और फिर ये रहेगा अखा मरी, और काला मिर्च आप बोलते हो, काला मिर्च। इसको एकदम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। आटा इसको मसलना पड़ता है एकदम, इससे मतलब क्या है, मसलने से एकदम सॉफ्ट बनता है। जैसे आप मुँह में डालोगे एकदम पानी पानी हो जाएगा फाफड़ा। ऐसे लोहिया रखा मैंने, इसको वजन देखे सीधा, ये घीस देते एकदम। ये बन रहा है यहाँ पे फाफड़ा, ये इसको फ्राई करने डालोगे। फाफड़ा मसाले से भरपूर हो गया है, ये सब गुजरात में कोई जगह नहीं मिलेगा। अभी नया नया प्रोडक्ट अपन लॉन्च किया है, ये कहीं नहीं मिलेगा? नहीं, ये पूरे गुजरात में नहीं मिलेगा ऐसा। तो हमारा कस्तूरी मेथी वाला फाफड़ा यहाँ पर रेडी हो रहा है, तो ये आपको पूरे गुजरात में कहीं नहीं मिलने वाला। ये देखिए एकदम बढ़िया से तेल में बनाया जा रहा है ये। तो अगर आप भी फाफड़ा खाने के शौकीन हो तो यहाँ पर आके इस फाफड़े को ट्राई कर सकते हो। ये देखिए हमारा स्पेशल फाफड़ा यहाँ पर रेडी हो रहा है। तो कितना टाइम लगता है उसको बनने में? बस हो गया है, बस गया। हाँ, 1-2 मिनट पकने में लगता है इसको। तो हमारा मेथी वाला फाफड़ा यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्या लगाएंगे भैया? अभी नेक्स्ट वनेला गाठिया, जो नॉर्मल गुजरात में फेमस है। अच्छा, होता क्या, गुजराती लोग मॉर्निंग टाइम में नाश्ता करना यही फास्ट वो करेंगे। अच्छा, वनेला गाठिया वो भी बेसन का ही बनता है, पर फाफड़ा से थोड़ा अलग रहता है वो, एकदम छोटा छोटा। ये देखिए ये हमारा गाठिया बनने जा रहा है यहाँ पे। हाँ, वनेला लाइव गाठिया गुजरात में लोग बहुत पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट। हाँ, गुजराती में ब्रेकफास्ट बहुत पसंद करते हैं। तो इसका प्राइस क्या रहता है? 100 ग्राम का 35 रुपीज़। मैंने एक खाने में एकदम सॉफ्ट रहता है, और वो फाफड़ा जो खाएंगे तो थोड़ा क्रिस्पी रहेगा। ये हो गया वनेला गाठिया रेडी एकदम। ये देखिए ये हमारी प्लेट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो देखते हैं ये साथ में क्या क्या लगाते हैं। ये मसाला रहता है इसमें अंदर, हींग और मरी काला मिर्च का पाउडर रहता है, दोनों मिक्स। इसके साथ ऊपर डालने में इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और रह गया अपना जलेबी। तो ये देखिए ये कितनी बढ़िया जलेबी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे भैया? ये मिर्च फ्राई करते हैं, इसके साथ मिर्च अच्छा लगता है, फ्राई किया हुआ मिर्च साथ में खाते हैं। हाँ, साथ में खाते हैं। ये देखिए फ्राइड मिर्च यहाँ पे आ चुकी है, और ये आ गया नमक। अभी मिर्च अपन डेकोरेशन करवा दें। तो अभी क्या डाल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं कढ़ी डालता हूँ, छाछ का बनाया हुआ रहता है, चने का आटा रहता है और छाछ मिक्स किया हुआ रहता है इसमें। ये देखिए पपीता का चटनी है। ठीक है। हाँ, एक इसको हम गुजराती में कचुम्बर बोलते हैं। ये कोई भी जगह पे आप वनेला गाठिया खाओगे तो ये सलाद मिलेगा आपको। स्पेशल चटनी है ग्रीन चटनी, राजकोट का बहुत फेमस चटनी है ये। ये आगे हमारी स्पेशल चटनी है। हाँ, ये है हमारा स्पेशल चटनी यहाँ का, गार्लिक, सूरत का फेमस चटनी एकदम। ठीक है। तो फाइनली गुजरात की फेमस ब्रेकफास्ट यहाँ पे लग चुकी है। तो ये देखिए, तो ये है इनका फाफड़ा, जो कि स्पेशली मैंने मेथी वाला फाफड़ा यहाँ पे लगवाया इनसे, जो कि आपको पूरे गुजरात में कहीं नहीं मिलने वाला। ये है इनकी स्पेशल जलेबी, तो देखो कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। और साथ में ये देखिए ये है गाठिया, और ऊपर से इन्होंने हरी मिर्च रखी है फ्राई करके, और साथ में इन्होंने दिए 3 चटनी। ये है इनकी गार्लिक वाली चटनी, ये है इनकी ग्रीन चटनी, और ये है इनकी कड़ी। तो साथ में इन्होंने मुझे दिए पपाया सैलड, जो कि इनका स्पेशल रहता है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये आ गया फाफड़ा, तो इसको मैं ट्राई करूँगा इनकी कड़ी के साथ। तो फाफड़ा तो मैंने बहुत जगह खाया, बट इनका जो फाफड़ा है काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा है, क्योंकि एकदम फ्रेश बना हुआ है। तो साथ में जो इन्होंने कस्तूरी मेथी डाली है और अजवाइन डाला है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो इससे अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट और क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो गाठिया को मैं ट्राई करूँगा इनकी ग्रीन चटनी साथ।
तो वाकई में इनका गाठिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। स्पेशली जो इनकी ग्रीन चटनी काफ़ी स्पाइसी है, अगर आप स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे आके इनका गाठिया और इनकी ग्रीन चटनी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो लास्ट में मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इनकी जलेबी, तो ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर है, चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो गुजराती ब्रेकफास्ट का तो अलग ही मज़ा है, मुझे इनकी पूरी थाली बहुत ही पसंद आई, इनका गाठिया, इनका फाफड़ा, इनकी जलेबी बहुत ही टेस्टी है। तो भैया टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की? यहाँ का सवेरे 6 बजे से दोपहर को 12 बजे तक रहता है, फिर 12 से 3 लंच रहता है, फिर दोपहर के बाद 3 बजे के बाद खुलता है, तो शाम को 7:30-8 बजे तक चलाते हैं हम। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? पूरा हफ्ता ही, कोई छुट्टी नहीं रहता है। एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना हो तो। मेरी दुकान का नाम है बापा सीताराम गाठिया हाउस, ये VIP सर्कल है, उत्तराण गांव के बाजू में लगता है, सूरत गुजरात। तो अगर आप भी सूरत रहते हो, विजिट कर रहे हो, तो पप्पा सीताराम पे आके इनकी ये थाली टेस्ट कर सकते हो, इनका फाफड़ा टेस्ट कर सकते हो, गाठिया टेस्ट कर सकते हो, कुछ भी टेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।